एवरीवन, दिस इज प्रेरणा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे इस वीडियो आई एम गोना शो यू माय वीकली स्किन केयर रूटीन। और इससे पहले भी मैंने अपना स्किन केयर रूटीन यूट्यूब पे अपलोड करा है, और आज मैं करने जा रही हूँ अपना वीकली स्किन केयर रूटीन। तो मैं डॉट इन की का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जो कि सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी इसमें इंग्रेडिएंट है। तो जो ग्रीन टी होती है और सैलिसिलिक एसिड, वो आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और ग्रीन टी तो वैसे ही आपके फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए, और ये वाला फेस वॉश जो डॉट इन की का है, वो मैंने स्मिटन से बाय करा था 1 ट्रायल पॉइंट पे, और इसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं उसे अगर आपको देखनी है तो। और ये 15 ml का है, और इसमें जो प्राइस लिखा है वो 99 rupees लिखा है, और मुझे एक ट्रायल पे मिला था। और इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी मिंट जैसी आ रही है, जैसे मिंट मैं खा रही हूँगी उसी की तरह इसकी फ्रेग्रेंस है, और काफ़ी अच्छा है। थोड़े से मैं काफ़ी हो गया है, ये मुझे ये फेस वॉश अच्छा लगा डॉट एंड गिंग का। वैसे मुझे इसके सारे ही प्रोडक्ट्स जो भी मैंने यूज़ करे हैं इससे पहले, मुझे वो सारे ही अच्छे लगते हैं। और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का प्योरीफाइंग नीम स्क्रब विद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, और ये 75 rupees का है। ये फेस स्क्रब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके पार्टिकल काफ़ी जेंटल हैं, स्मूद हैं, काफ़ी हार्श नहीं होते हैं स्किन पर, और ना ही इरीटेट करते हैं स्किन को। आई जस्ट वॉश माई फेस एंड मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, और इसकी फ्रेग्रेंस ना अभी तक आ रही है मुझे, और यहाँ पे मुझे छोटा सा पिंपल हुआ है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का डीप पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस मास्क, जो कि मैंने ये अपनी पहली वीडियो में भी यूज़ करा हुआ है। और कभी कभार ना मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं शीट मास्क यूज़ कर लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, और मेरी स्किन अगर हाइड्रेट नहीं फील कर रही है, तो तब मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। और इसको ये फेस पैक लगाना भी काफ़ी इजी है, और इसको अपनी अंडर आइज एरिया पे अवॉइड ही करना लगाना। तो ये मैंने लगा दी अपना फेस पैक, और जब तक इसको मैं करीब रखूँगी 15 से 20 मिनट्स तक, और उसके बाद से धो दूँगी, और उसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। मैंने अपना फेस पैक वॉश कर लिया था, मैं 15 मिनट तक मैंने इसे अपने फेस पे रखा, उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था। और नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का पोर टाइटनिंग टोनर विद हिमालयन वाटर्स, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। दिस इज़ द बॉटल ऑफ दैट, और ये भी मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में यूज़ करा था, और इसको आपको आप कॉटन पैड से भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हैंड से भी। तो आपको इसे रब नहीं करना है अपने फेस पर, आपको इसे डैब करना है। एंड नाउ आई एम यूजिंग मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र बहुत 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 ज़रूरी है टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। तो मैं यूज़ कर रही हूँ द डर्मा कोका मॉइस्चराइज़र, और ये ड्राई स्किन के लिए है, और मेरे को ये डर्मा कोका मॉइस्चराइज़र काफ़ी 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 ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट टाइम यूजिंग मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन SPF 50। तो माई सनस्क्रीन इज डन, और सनस्क्रीन में मुझे मिनिमलिस्ट की और रिक्विल की सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी लगती है,
और सनस्क्रीन में जितना ज़्यादा SPF होगा वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी होगी। ऐसा नहीं है कि जब आप बाहर जाएं तभी सनस्क्रीन लगाएं, जब आप घर पे रहते हैं तब भी सनस्क्रीन इज़ मस्ट, क्योंकि ये आपके स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, सन डैमेज टैनिंग से आपके स्किन को प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो सनस्क्रीन इज़ मस्ट इन योर स्किन केयर रूटीन, क्योंकि इसके बिना काम आप लोगों का नहीं चलना चाहिए, इट इज़ मस्ट। तो प्रायोरिटी इसको ज़रूर देना सनस्क्रीन को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट स्टेप में, जो कि है लिप्स के लिए, वो है लिप बाम, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। कोई भी लिप बाम आप यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो वो लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कीप्स योर लिप्स नरिश एंड हाइड्रेटेड। तो लिप बाम इज ऑल्सो मस्ट टू कीप योर लिप्स हाइड्रेटेड एंड नरिश एंड टू मेक योर लिप्स ब्यूटिफुल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।